इसराइल और हमास के बीच चल रहे महायुद्ध में मरने वालों की तादाद 8,000 पार कर गई। इस भयंकर लड़ाई में हमास ने भले ही जंग की शुरुआत की हो, लेकिन इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर कहर बनकर टूटी। दर्जनों हमास नेताओं को ढेर कर चुकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी है। उधर दुनिया भर में मुस्लिम लोग इजरायली सेना के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया के शहरों में सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारी रैली निकाल रहे हैं। लंदन में प्रदर्शनकारियों ने पीएम ऋषि सुनक से युद्ध विराम की अपील की। इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर अपने हवाई और जमीनी हमले को बढ़ा दिया। रविवार को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग में दूसरे और महत्वपूर्ण चरण का ऐलान किया। उधर दुनिया भर में कई जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकली। इस्लामाबाद, मलेशिया, इस्तांबुल और न्यूजीलैंड के बाद लंदन में बड़ी तादाद में लोग मार्च करते हुए दिखे। लोगों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार से युद्ध विराम की मांग की। लंदन में प्रदर्शनकारी ने कहा, महाशक्तियां पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही, हम युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारों, अस्तित्व के अधिकार, जीने के अधिकार, मानव अधिकारों, हमारे सभी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उधर मलेशिया में कुआलालंपुर में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ ने नारे भी लगाए। दूसरी तरफ हेब्रोन में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली उत्पादों के वैश्विक बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने नारा लगाया, फिलिस्तीन के बच्चों की हत्या में योगदान न दें। लोग कोपेनहेगन, रोम और स्टॉकहोम में भी सड़कों पर उतर आए। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से फ्रांस के कुछ शहरों ने रैलियों पर प्रतिबंध लगाया, इस डर से कि लोगों में भय पैदा हो गया। उधर पेरिस में प्रतिबंध के बावजूद शनिवार को एक रैली हुई। दक्षिणी शहर मार्सेले में भी कई सौ लोगों ने मार्च किया। वहीं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में हजारों लोगों ने फलस्तीनी झंडे और फ्री फलस्तीन लीग की तख्तियां लेकर संसद भवन की ओर मार्च किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।